दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं, रात में लाइटें ऐसी सजी हैं जैसे मानो पूरे शहर को सजाया गया हो। और मंदिरों की बात करें तो आज हम जो आपको व्लॉग दिखाने जा रहे हैं वो है काली मंदिर। चलिए आप। हाय, दिस इज पीयूष सहीज। आप सुन रहे हैं पीयूष सहीज को। पिछले व्लॉग में मैंने आपको मंदिर का जो बाहरी जो आउटर द्वार है वो सारी चीज़ें दिखाई थी, प्रवेश द्वार तक। आज हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 28 जनवरी 1993 में मंदिर का निर्माण हुआ था। काली मंदिर बालकोट नगर कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कोरबा से लगभग इसकी दूरी जो है कोरबा रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर के आसपास है। आज हम आए हैं काली मंदिर। ये है मुख्य दरवाज़। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। क्योंकि हम यहाँ ही पले बड़े हैं तो हम यहाँ अक्सर आया करते थे अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इन काली मंदिर से। ये इसका गेट है, मुख्य द्वार। जब काली मंदिर बना था तब यहाँ जो देवी की जो मूर्ति थी, जो मूर्ति थी वो इतनी बड़ी थी कि वहाँ के लोग वहाँ रात के 7-7.30 बजे के आसपास संध्या समय में वो डर जाते थे। तो बाद में जो देवी की मूर्ति है उसे छोटा किया गया, उसके आकार को छोटा किया गया, साइज को कम किया गया, ऐसा हमने सुना था। हमने तो कभी मतलब इस तरह का बड़ा बड़ी सी मूर्ति कभी देखी नहीं थी, लेकिन जब भी देखी है इसी मूर्ति को देखी है, इसी देवी की प्रतिमा को देखी है। और बालको का ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ का प्रसाद, यहाँ का भोग बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हम अक्सर आया करते थे शाम को ताकि हमें स्वादिष्ट प्रसाद खाने को मिले। खिचड़ी, खिचड़ी यहाँ की जबरदस्त है। यहाँ इन दीवारों पे आप देख सकते हैं देवी जी की। क्योंकि हम आरती के काफी पहले आ गए हैं तो आरती का जो समय है लगभग 7:30 के आसपास है। तो जो अगला वीडियो होगा, अगला ब्लॉग होगा, उसमें हम जरूर यहाँ की आरती आपको दिखाएंगे।
यहाँ पे आने पर ही आप यहाँ के जो अनुभव है उसे जान सकते हैं और वीडियो के माध्यम से अपने दर्शन तो कर ही लिए। हम जब बच्चे थे तो हमारे लिए काली मंदिर एक आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। देखिए कितना लाइटों से सजाया गया है, रात को तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। डबल स्टोरी ये मंदिर है और सामने जो है वो हनुमान जी का मंदिर है और रोड के उस पार जो है वो अयप्पा मंदिर है। हमने काफी पिक्चरें ली और इस ब्लॉग को कम समय में जितना हो सके बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, व्यस्त रहिए। डन 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 डन। थैंक यू सो मच।